तवेत्ता सत्यमंगिरा ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सम्मान के योग्य उप संचालक श्री मधोक साहब और नवनियुक्त करनाल के मंडलपति आर्य वीरदल श्री रमेश आर्य जी, आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी, इस आर्य समाज के धर्माचार्य पुरोहित जी, समस्त अभ्यागत महानुभाव, पवित्र मातृशक्ति, भद्र पुरुषों और प्यारे प्यारे बच्चे, आज के कार्यक्रम का नाम है वीर पर्व और मना रहा है इसको सार्वदेशिक आर्य वीर दल करनाल। इसके मूल में चलेंगे, आप लोग जुड़े रहेंगे तो वेद मंत्रों से ही आपको जोड़े रखूंगा और कार्यक्रम के अंत में ऋषि दयानंद तक पहुंचूंगा, क्योंकि वीरता का और दयानंद का आपस में बहुत संबंध है। वहां पहुंचूंगा, यात्रा के अंतिम पड़ाव में ऋषि दयानंद को ले लूंगा और शुरू करेंगे वेद से। मुख्य रूप से वीरता के 6 सूत्र हैं, इसीलिए ऋषि दयानंद ने यज्ञ के अंतर्गत यज्ञ समाप्ति पर उन 6 मंत्रों का विधान किया और ये लिखा कि यज्ञ शेष तो यही है और वहां पर घी लेकर के हम यज्ञ रूप प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओम तेजो असी तेजो मई देही। 6 मंत्र बोल लीजिए, फिर अपनी बातें शुरू करूंगा। ओम बलमसी बलम मई देही, ओम वीर्यमसी वीर्यम मई देही, ओम ओजो असी ओजो मई देही, ओम मन्युरसी मन्युम मई देही, ओम वर्चो असी वर्चो मई देही। और इन 6 मंत्रों के बिना वीरता आ ही नहीं सकती। और मैं 6 महापुरुषों के 6 या 7 महापुरुषों के नाम लूंगा, केवल नाम लूंगा, वर्णन नहीं करेंगे, वर्णन में तो बड़ा समय लग जाएगा। और उनका नाम लेते ही आपके दिमाग के अंदर वीरता के भाव अपने आप भर जाएंगे। और जिस पर्व को आज हम मना रहे हैं वीर पर्व, उसके मूल में विजयदशमी है और विजयदशमी का संबंध किससे है? डरो मत, मैं तो आपके साथ हूं। अरे भाई, भगवान राम के साथ है, बोल दो ना। तो पहले महापुरुष का मैंने नाम लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका नाम लेते ही आपके अंदर वीरता के भाव स्वतः प्रस्फुटित हो जाते हैं। उनके हाथ में क्या है? धनुष है। उनकी मुद्रा कैसी है? वीरों वाली है। अगर वो संध्या भी कर रहे तो कमर कैसी है? धनुष की तरह तनी हुई है। अगर वो चल भी रहे तो उनकी वीरता के भाव स्वतः हमारे अंदर आ जाते हैं और हम उनके भावों से अपने आप भर जाते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संबंध वीरता के साथ है। और ये भी समझते रहना, आप सब समझदार हैं, इन 6 मंत्रों को जिन महापुरुषों का नाम मैं ले रहा हूं उनमें अपने आप घटाते रहना। मैं नहीं घटाऊंगा, इतना समय नहीं है, लेकिन इन 6 मंत्रों को सबसे पहले किसके अंदर घटाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अंदर। तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, वर्चस्वी थे, मनस्वी थे, वीर्यवान थे और बलवान थे। और ये सारे गुण जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं आएंगे तब तक उसके अंदर वीरता के भाव
आ ही नहीं सकते। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। दूसरे महापुरुष का नाम आप समझ गए होंगे, जिनका साथ राम के साथ नाम जुड़ जाता है, दूसरे महापुरुष, अरे नहीं वो तो थे ही थे चारों वीर। दूसरे महापुरुष थे द्वापर युग में योगी राज। अब उनका नाम लेते ही आपके अंदर वीरता के भाव आए कि नहीं आए? जिस व्यक्ति ने महाभारत के युद्ध में शांति के साथ क्रांति की, शांति के साथ, पहले उन्होंने शांति की, वो दौड़े, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह से युद्ध रुक जाए, इसलिए शांति दूत बने। लेकिन जब नहीं हुआ तब उन्होंने क्या दिखाई, और क्रांति के लिए उनके पास क्या था, उसका उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया, हर जगह पर सदुपयोग किया। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। एक और महापुरुष है, उसका नाम लेते ही तो आपके अंदर इतने भाव आ जाएंगे कि आप कहोगे हमें भी तलवार दे दो अभी। और उनका नाम था छत्रपति। क्या बात थी, गजब महापुरुष थे। ओहो, जिसके नाम से मुगल कांपते थे, उसका तो नाम रख दिया था औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा। छोटे से कद के थे, कहीं छिप जाते थे और छिप करके गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे। और ऐसा महापुरुष जिंदगी में परमात्मा से प्रार्थना करो समय समय पर हर माँ की कोख से पैदा हो। क्या बात थी, छत्रपति शिवाजी का मैंने जीवन चरित्र पढ़ा, उस व्यक्ति ने कभी हार नहीं। वो तो अपने बेटे से मारे गए, वो तो अपने ही बेटे से मारे गए, अन्यथा तो उस महापुरुष को मारने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं था। आगरे के किले से तो टोकरे में बैठकर सब्जी के और फल के रूप में, सिर के ऊपर बैठकर सैनिक के ऊपर, और आगरे के किले से ये भागे, घोड़ा तैयार था और तलवार लेकर के। अब औरंगजेब कहता इसको पकड़ो, अब कहाँ पकड़ोगे, वो तो गया। और वो छूटा और सीधा भाग करके फिर एक युद्ध किया। ये ऐसे महापुरुष थे। वीर परम मना रहे हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करो ये छह के छह मंत्र हमारे जीवन में उतरे। और एक महापुरुष का नाम लेता हूं, उसका नाम लेते ही आपके अंदर, अभी उसका नाम आ चुका था, शशि माता जी ने कर दिया था वर्णन, महाराणा। क्या बात है, गजब महापुरुष थे। परमात्मा ऐसे पता नहीं कौन सी मिट्टी से पैदा हुए थे, हार तो थी नहीं, जिंदगी में निराशा तो थी नहीं, और उस चीजों को लेकर के चलते थे जो हर मनुष्य के जीवन में काम आती है। और उस व्यक्ति का नाम लेकर के तो हमारे अंदर भी ऐसी इच्छा होती है कि हम सबको कह दें हम भी महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और सचमुच जो वंशज हैं, मैं सन 83 में जब शताब्दी हुई थी ऋषि दयानंद की निर्वाण शताब्दी, तो उदयपुर घूमने गए, वहाँ का राजमहल वगैरह सारा देखा, तो वहाँ पर पता चला कि राणा प्रताप के वंशज आज भी जीवित हैं, जिनकी लंबाई 7 फुट थी। अब जब आधुनिक युग में भी 7 फुट का उनका वंशज जीवित है, तो उस जमाने में राणा प्रताप का कद कितना रहा होगा, और वो व्यक्ति का भाला इतना भारी, उस व्यक्ति का कवच इतना भारी, उस व्यक्ति का चेतक नाम का घोड़ा इतना ऊंचा, और जब उस पर चढ़ते थे क्या उनकी शान की सवारी थी। अरे दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई बादशाह था तो वो महाराणा प्रताप था। उसके नाम से डरते थे मुगल, डरते थे। और जब तक वो महापुरुष रहे किसी की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए तो आज तक भारत की संस्कृति को कोई नष्ट करने का प्रयास तो बहुत किया लेकिन नष्ट कर ही नहीं पाए। और ना समाप्त होगी, लोग कहते हैं कि धीरे धीरे संस्कृति समाप्त हो जाएगी, इस देश की संस्कृति इतनी अमिट है कि उसको समाप्त करने की ताकत किसी को भगवान ने दी नहीं। अच्छा एक बात देखो, जो ये कहते हैं इस देश की संस्कृति समाप्त हो जाएगी, तो उस संस्कृति के समाप्त होने से पहले 4 वेद नष्ट करने पड़ेंगे। क्या 4ों वेद नष्ट हो सकते हैं? 4 वेद तो दुनिया का ऐसा अनमोल ज्ञान है
इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है जिसका दुनिया में कोई ग्रंथ मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो कहां से संस्कृति नष्ट होगी? ये जरूर है कि देवासुर संग्राम चलता रहता है, कभी देव ऊपर कभी असुर ऊपर, कभी देव ऊपर कभी असुर ऊपर। ये देवासुर संग्राम तो चलता है, परंतु याद रखो अपने देश की संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती। और एक महापुरुष का नाम लेता हूं, और उस महापुरुष का नाम, उसकी सबसे कम आयु थी और सबसे कम आयु में भी उस व्यक्ति ने, अभी तो व्यक्ति कह रहा हूं लेकिन जैसे ही नाम बताऊंगा आप लोग अपने आप बोल दोगे और वीरता के भाव दौड़ेंगे। अंग्रेजों का मुकाबला किया उस लड़की ने और उसका नाम था झांसी की रानी। ये वीर पर्व है। और आर्य वीरदल की आवश्यकता क्यों हुई? हालांकि बता दिया सती माता जी ने, लेकिन थोड़ा सा वर्णन करूंगा कि आर्य वीरदल आज कहां खड़ा और तब कहां था। और रानी लक्ष्मीबाई ने वो कार्य किया जिसका आज भी दुनिया में कोई सानी नहीं है। दोनों हाथों में तलवार। आज की लड़कियों को जब हम सिखाना चाहते हैं कि तुम मुकाबला करने के लिए लाठी सीखो, वो तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन को इतना आधुनिक बना दिया, इतना भौतिकवाद बना दिया कि आज के समय में कोई तलवार की विद्या को तो यूं कहते हैं पुरानी विद्या है। और मैं कहता हूं सबसे बढ़िया विद्या यही है। दोनों हाथों से आज भी आर्यवीर दल की प्रशिक्षित लड़कियां, हमारी जो कन्याएं हैं, दोनों हाथों में लाठियां लेकर बड़ी अच्छी तरह घुमा लेती हैं। ये आर्यवीर दल के संस्कार हैं। इसीलिए आर्य वीर दल के शिविरों की आवश्यकता है। वो लड़की 16 साल की आयु में जिसके दोनों हाथों में तलवार है और लगाम कहाँ है? घोड़े की मुंह में, मुंह से घोड़े का संचालन हो रहा है, उसको मोड़ा जा रहा है, दोनों हाथों में तलवार है और कवच यहाँ बांधा हुआ है और छोटे से बच्चे को कहाँ बांधा है? और कवच के अंदर बच्चे को बांध करके गठड़ी की तरह बांधा हुआ है। न डर रही है, न भयभीत है, न निराश है। उसको ये भी पता है कि मेरा किला मेरे से छिनेगा, लेकिन छिनेगा तो डरपोक होकर के क्यों दूं? अगर दूंगी तो हजारों को मार करके दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। और उसने गाजर मूली की तरह अंग्रेजों को काटा। दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। जिस लड़की ने बचपन में तलवार की विद्या सीखी, उस लड़की के नाम पर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर आज भी हमें गर्व होता है। ऐसे महापुरुष, एक और महापुरुष का नाम लूंगा फिर ऋषि दयानंद पर पहुंचेंगे। उसका नाम लेते ही आपके अंदर वीरता के भाव जागेंगे। जिसको मारने का, जिसको मिटाने का, जिसको नष्ट करने का एक बार नहीं अनेकों बार मानसिक प्रताड़नाएं दी गई, शारीरिक प्रताड़नाएं दी गई। ऐसे तो बहुत महापुरुष हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। ये मेरे पीछे वीरों की तस्वीरें लगी हुई हैं, ये सबका नाम कैसे लूं? लेकिन एक महापुरुष है जिसने आपकी संस्कृति को बचाया, सभ्यता को सुरक्षित रखा, और उसका नाम था आजाद हिंद फौज के नेताजी। बहुत बढ़िया। एक ऐसा महापुरुष जिसने आजाद हिंद फौज के माध्यम से इस देश की आजादी के लिए कार्य किया, अनेकों बार प्रताड़ित किया गया, अनेकों बार प्रयास किया गया, अनेकों बार घर में ही बंद कर दिया गया, 6-6 महीने बंद किया गया, भोजन नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया। लेकिन वो व्यक्ति एक ऐसा महापुरुष था जिसने निराशा को नजदीक नहीं आने दिया। आज भी मृत्यु रहस्य है। आप बेशक कह दो मर गए, पर मैं नहीं मानता कि वो शहीद हो गए। कोई प्रमाण थोड़ी है, प्रमाण नहीं है, अनुमान ये है, क्योंकि 118-120 साल की आयु तक कोई जीवित तो रह नहीं सकता, ये तो निश्चित है कि वो नहीं है। लेकिन कोई ये बताए कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। एक ऐसा महापुरुष क्यों? क्योंकि तत्कालीन नेताओं ने लिख कर दिया था कि सुभाष जिंदा या मुर्दा, जैसा भी मिलेगा हम आपको सौंप देंगे, इसके बदले में आप हमें आजादी दे दो। ये आजादी का मूल था। और सुभाष को पता चला, सुभाष ने कहा आजादी तो ले लो,
लेकिन सुभाष कभी हाथ आने वाला नहीं है और वो महापुरुष कभी उनके हाथ नहीं आया। अब मैं आता हूं अपने मूल आधार ऋषि दयानंद पर। ऋषि दयानंद एक सन्यासी थे और सन्यासी का धर्म मार काट नहीं है, सन्यासी का धर्म मार पिटाई नहीं है, लेकिन सन्यासी का धर्म अपनी रक्षा तो है, सन्यासी का धर्म दुनिया को उपदेश देना तो है, सन्यासी का धर्म दयालुता का प्रचार तो है, लेकिन साथ में साथ न्याय भी तो है। इसीलिए ऋषि दयानंद का संबंध वीरता के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक ऐसा साधु था जिसके पास केवल एक डंडा था और डंडा मारने के लिए नहीं था, अपनी सुरक्षा के लिए था। इसलिए वो दंडधारी दयानंद डंडा साथ रखते थे। अगर वो डंडा ना होता तो मेरा ऋषि पता नहीं कहाँ होता, क्योंकि उसी डंडे ने गंगोत्री के जंगलों में ऋषि दयानंद को भालू से बचाया था। वही तो डंडा था, उसको साथ रखा करते थे। लेकिन मेरे ऋषि ने उस डंडे से कभी किसी व्यक्ति की हिंसा नहीं की। और तो राव करण सिंह जब तलवार लेकर आया और उसने कहा कि दयानंद बताओ गंगा को क्या मानते हो, तो दयानंद के पास एक अपना कमंडल था, कमंडल में जल था, जल दिखाकर कहते हैं मैं तो गंगा को केवल ये जल मानता हूँ। तब उस व्यक्ति को क्रोध आ गया और तिल मिला करके उसने तलवार निकाली। मेरे ऋषि की हुंकार सुनो, क्या कहते हैं, पकड़ी तलवार और जोर से बोले, अरे धूर्त, अगर शास्त्रार्थ करना है तो वृंदावन से अपने गुरु रंगाचार्य को बुला ले, और अगर शस्त्रार्थ करना है तो जा मराठों में छत्रपति शिवाजी जैसे व्यक्तियों से लड़। अरे मैं तो एक साधु हूँ, मैं तेरे ऊपर दया करता हूँ, जा मैं तुझे छोड़ता हूँ। ये था ऋषि दयानंद। अगर दयानंद चाहते तो उसी तलवार को लेकर उसका भी काम कर सकते थे, लेकिन मेरे ऋषि ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दयानंद सन्यासी थे। अब ये 6 मंत्र दयानंद पर घटाओ। ओम तेजो असी तेजो मई देही। मेरा ऋषि तेजस्वी था, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, ब्रह्मचर्य की ताकत थी, और उस ब्रह्मचर्य की ताकत के बलबूते पर मेरा ऋषि हर जगह अकेला चलता था। किसी ने कहा आपको सुरक्षाकर्मी दे दें, किसी ने कहा स्वामी जी कड़वा मत बोलो, किसी ने कहा स्वामी जी इतना कड़वा मत बोलो कि कोई आपको मारने को उतारू आ जाए, किसी ने कहा स्वामी जी सत्य मत बोलो, मेरे ऋषि ने कहा सत्य भी बोलूँगा कड़वा भी बोलूँगा, और जिसके घर में जाऊँगा वहाँ झाड़ू भी लगाऊँगा, क्योंकि दुनिया से गंदगी को सफाई करने के लिए मैं दुनिया में आया हूँ। जहाँ जहाँ झूठ है वहाँ वहाँ झूठ को हटाना दयानंद का काम है। इसलिए दयानंद तो सदा सत्य ही बोलेगा। रही बात मेरी सुरक्षा की, आपके सुरक्षाकर्मी को बाहर का सुरक्षाकर्मी मार सकता है, अरे मेरा सुरक्षाकर्मी तो ऐसा है जो अदृश्य है और 24 घंटे 12 महीने सारी आयु मेरी रक्षा करता है। इसलिए मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता। वो सामने वाले राजा ने कहा महाराज आपका सुरक्षाकर्मी कौन है, तो मेरा ऋषि कहता है मेरा सुरक्षाकर्मी मेरा कौन है, ईश्वर है। तुम्हारे सुरक्षाकर्मी को छिप करके मारा जा सकता है, पर मेरे सुरक्षाकर्मी को कोई ना ही मार सकता। इसलिए मेरा तो सबसे बड़ा सिपाही, मेरा तो सबसे बड़ा संरक्षक कौन है, ईश्वर। और ऋषि दयानंद के इस संस्कृति सभ्यता के प्रचार के अभियान में एक नहीं अनेकों महापुरुष जुड़े, और जिनमें सब एक नाम अभी दो नाम तो अभी आ चुके थे, जिनमें सबसे पहला नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसा वीर पुरुष था जिसने अपने सीने में गोली खाई, लेकिन वो व्यक्ति कभी रुका नहीं, झुका नहीं, थका नहीं, और अपने जीवन का जो कुछ भी चल अचल संपत्ति थी वो दयानंद के मिशन में दान दे दी, सब कुछ, लेकिन हार नहीं माना।
और उस सुरक्षाकर्मी ने अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए हमें कहीं ना कहीं खड़े होने की ताकत दी। महात्मा नारायण स्वामी का नाम आया। पवित्र मातृशक्ति भद्र पुरुषों, उस जमाने में वृद्ध व्यक्तियों के अंदर भी ताकत थी। महात्मा नारायण स्वामी जब ये कार्य निकले थे तब उनकी अच्छी उम्र थी, कोई जवान नहीं थे वो, और तब उन्होंने कहा था कि 10,000 नौजवान जब तक इकट्ठे ना हो जाएं, हालांकि उस जमाने में 10,000 इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं था, पैसे इकट्ठा करना मुश्किल था, लेकिन नौजवान इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी। हर घर से आज़ादी का एक न एक सिपाही निकल रहा था, हर घर से एक नौजवान तैयार था, केवल रास्ता नहीं मिल रहा था। और रास्ता मिलने के लिए महात्मा नारायण स्वामी एक प्रतीक बने, एक ताकत बने, और मार्गदर्शक के रूप में जब वो आगे चले तो महात्मा नारायण स्वामी को पैसों के लिए तो दिक्कत आई, पैसे में तो समय लगा, लेकिन 10,000 से ज़्यादा नौजवान इकट्ठे करने में इतनी मुश्किल नहीं आई, वो उन्होंने इकट्ठे कर लिए, सदस्यता का अभियान चलाया। और पहला शिविर जब लगा तो 400-500 नौजवानों का लगा। अरे क्या बात थी, वो एक समय था। आर्य वीर दल के शिविरों में होड़ लगती थी कि आर्य वीर दल के शिविर लग रहा है, हमने जाना है, आज हम बुलाते हैं तो नहीं आ रहे, तब बिना बुलाए नौजवान आते थे। और हमारे आर्य वीर दल के शिक्षकों ने अपना आत्मसमर्पण किया, और आत्मसमर्पण करके 8-8 दिन 10-10 दिन लग करके जो परिश्रम करके उन लड़के और लड़कियों को सिखाया करते थे, उन बच्चों के अंदर, उन नौजवानों के अंदर जो सभ्यता और संस्कार भरे, जो संस्कृति के भाव भरे, वो आज भी इतिहास के अंदर अमिट हैं। और जो उस समय कार्य हुआ, मेरी बात बड़ी कठोर है, जो उस समय कार्य हुआ उसी के कारण से आज हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए आर्य वीर दल की स्थापना हुई। और आर्य वीर दल की स्थापना के साथ एक नहीं अनेकों व्यक्ति ऐसे जुड़ते चले गए, जैसे एक नदी के प्रवाह में अनेक प्रवाह जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले गए। और आर्य वीर दल सार्वदेशिक बन गया। आर्य वीर दल सार्वदेशिक, सार्वदेशिक का मतलब सब देशों में, ये केवल भारत में नहीं है, इसका प्रचार जहाँ जहाँ भारतीय और आर्य समाज के मूल के मानने वाले लोग हैं वहाँ वहाँ आर्य वीर दल के शिविर के माध्यम से संस्कार दिए जाते हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आर्य वीर दल की स्थापना हुई। जैसा कि अभी बताया, महात्मा हंसराज की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। ये महापुरुष ऐसे महापुरुष थे जो लाठियां नहीं चलाते थे, जो तलवारें नहीं चलाते थे, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा संस्कार और सभ्यता के भावों को बच्चों के अंदर भरते थे। और उन बच्चों के अंदर भरने के बाद हम तो पीछे हो गए, और वो आर्य वीर दल आगे चलता रहा, और उसकी परंपरा अभी 100 वर्ष आर्य वीर दल को हुए नहीं है, हम कहीं ना कहीं शिथिल हो गए, ठंडे हो गए। और उस शिथिलता को समाप्त करने का फिर निवेदन करूं, एकमात्र तरीका आर्य वीर दल के शिविर है, इसलिए वीर पर्व मनाया। इसका नाम क्या है? वीर पर्व। मर्यादा पुरुषोत्तम क्या थे? वीर थे। वीर तो रावण भी था, वीरता के गुण उसके अंदर भी थे। एक छोटी सी गलती से आज भी दुनिया में उसको जलाया जाता है, हालांकि जला वो व्यक्ति रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट है, जलाने वो व्यक्ति जा रहा है जिसके अंदर दुनिया भर के केस चल रहे हैं, लेकिन हमारी विडंबना यह है कि हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे, और आज भी रावण के पुतले को बड़ी खुशियों से जला देते हैं। और दुर्भाग्य, पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पाता, जलाने से पहले उसकी पूजा करते हैं, ये समझ नहीं पा मेरे, मैं तो हैरानी इस बात की है, अगर दयानंद ना होते तो शायद हम भी उसी रास्ते पर होते।
ये दयानंद एक ऐसा महापुरुष था जिसने 19वीं शताब्दी में दुनिया को अंधविश्वास के रास्ते से हटाने का प्रयास किया। मैं हर बार बताता हूं, फिर बता दूं, 1985 में करनाल में आर्य वीर दल का शिविर लगा, तब मेरी आयु 21 साल थी। 36 साल तो आर्य वीर दल के शिविर की मैं घटना सुना रहा हूं, और तब मैं 21 साल का था। मेरे जीवन का सबसे पहला शिविर ही वही था, और उसके जो कर्ता धर्ता थे तब मधोक साहब थे, और हमारा विद्यार्थी काल था। तो आर्य वीर दल को परले वाले डीएवी में लगा था, उस तरफ जो डीएवी है बस अड्डे की तरफ, दोनों ही बस अड्डे के एक इधर है, इधर वाला शायद लड़कियों का है, उधर लगा था शिविर। तो जब शिविर समाप्त हुआ तो दोपहर का भोजन हमें नहीं मिला। अब हम तो भोजन तो हो गया, लेकिन हम इधर उधर घूमते रहे, शिक्षकों से मिलते रहे प्रमाण पत्र वगैरह के, तो भूखे रह गए हम। तो मैं मधोक साहब के पास गया, मैं ये घटना हर बार सुनाता हूँ, मैं इनके पास गया, मैंने कहा भूख लग रही है बड़ी जोर की। तो ये मुझे भंडारे में ले गए और वहाँ बिस्कुट रखे पार्ले जी के, बिस्कुट थे पैकेट। तो इन्होंने मुझसे कहा, अब हम तो 21 साल के नौजवान थे, इन्होंने मेरे से कहा ये 2-4 बिस्कुट के पैकेट हैं, तू ये ले जा और ये खा ले। तो मैंने वो पैकेट लिए। अब उधर से बस भी निकलने वाली थी, क्योंकि उस जमाने में बसें हिसार के लिए, हिसार जाना था मुझे, और बसें ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो पता चला बस भी निकलने वाली है। मैंने 4 पैकेट मधोक साहब से लिए और मैं चला, मैंने कहा बस में बैठकर खाऊंगा। जिंदगी का यादगार सबसे बढ़िया शिविर वो मेरा 85 का था, और उस 85 के शिविर में कम से 300-400 की संख्या थी, और उस समय हमारे शिक्षक थे श्री बलवान सिंह आर्य, एक भूपेंद्र जी थे हिमाचल के, वो लोग ऐसे शिक्षक थे जिनके संस्कार, एक सूर्यदेव जी थे, ये 3-4 शिक्षक थे जिन्होंने हमें सिखाया। आज भी हम उनको अपने शारीरिक प्रशिक्षण का गुरु मानते हैं। इन आर्य वीर दल के शिविरों से आपके जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मकता आती है, इसलिए वीर परम मनाने का उद्देश्य है कि हम जीवन के अंदर अपने महापुरुषों से जुड़े। तो ऋषि दयानंद के जीवन में सबसे बड़ा क्या था? तेज था। फिर कहा बलम असि बलम मई देही, मेरा ऋषि बलवान भी था, 6 फुट 11 इंच की लंबाई थी, उतना ही शरीर भी था, और उसी हिसाब से चलते थे। एक डग रखते थे, तो सामान्य व्यक्ति 3 डग रखता था और मेरा ऋषि 1 डग रखता था, इतना तगड़ा बलवान महापुरुष मेरा आचार्य था। हमने कहा ऋषि लंबे तो श्रद्धानंद भी थे 6 फुट के, लेकिन श्रद्धानंद लिखते हैं कि जब एक बार मुझे पता चला कि ये महापुरुष सुबह सुबह कहीं जाता है, तो कहते हैं सुबह 3 बजे, रात को 3 बजे मैं उठ के दयानंद के पीछे लगा, और जब दयानंद के पीछे लगा तो आगे 2 रास्ते थे, और जब 2 रास्ते थे तो दयानंद इतना तेज चल रहे थे, चोरी से जा रहा था। श्रद्धानंद लिखते हैं कि मैं चोरी से जा रहा था, अगर दयानंद को पता चल जाता कोई मेरा पीछा करता है तो फिर वो डांटते नाराज हो जाते। तो कहते मैं चोरी से जा रहा था, पता चला 2 रास्ते हैं, अब यही नहीं पता दयानंद किधर गए, वो कहते मैं तो वापस आ गया। अगले दिन मैंने सोचा रात को 12 बजे जाकर जहाँ से रास्ता कटता है वहीं बैठ जा छिप करके, तो रात को वहीं बैठ गए, और रास्ता जब दयानंद वहाँ चलते हुए आए, खड़ाव पहना करते थे, कमंडल हाथ में होता था, सोटा था, और इस वेशभूषा में चलते थे, तो वो लिखते हैं ऋषि दयानंद दाएं हाथ की तरफ जो रास्ता जा रहा था उधर चले गए, और जब उधर चले गए तो एक और व्यक्ति को उन्होंने लिया। वो लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद कि वो जो व्यक्ति था साथ में, उनको मैंने कहा मेरे पीछे रहना, और वहाँ दयानंद का जब पीछा किया तो वहाँ पहुँच करके देखा मेरे ऋषि ने मुँह धोया, पहुँचा और बैठ गए, और लगभग 5 घंटे ईश्वर के ध्यान में मग्न रहे। और जब उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, तो प्रकाश होने के बाद स्वामी जी लिखते हैं, श्रद्धानंद लिखते हैं, मैं वापस अपने साथी के साथ आ गया। वो ये लिखते हैं
कि मेरे जीवन के अंदर जो थोड़ी सी मेरी श्रद्धा डगमगा रही थी वो मेरी श्रद्धा वापस आ गई और उस श्रद्धा के कारण से मैंने ऋषि दयानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया और वहीं से परिवर्तन आरंभ हुआ। तो मेरे ऋषि थे बलम असी बलम मई देही, अनेक व्यक्तियों ने मारने का प्रयास किया अनेकों बार, लेकिन मेरे ऋषि कभी भी कुछ नहीं कर पाए, हुआ कुछ नहीं। मेरा ऋषि सदा ईश्वर को अपना संरक्षक मानता था, इसलिए कहा वीर्यमसी वीर्यमय देही, हे प्रभो तू शक्ति स्वरूप है मुझे भी शक्ति प्रदान कर। फिर कहा ओजो असी ओजो मय देही, आप लोग मुझे बता दें ओज हाथों में है चेहरे पर है, चलो चेहरा छोड़ दो चेहरे पर तो तेज है, अब मुझे बता दो ओज पैरों में है या हाथों में है। और आप लोग रोज मंत्र बोलते हैं ओम ओजो असी ओजो नहीं ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तो, बोलो बोलते हो कि नहीं, बोलते रोज हैं लेकिन जब तक मंत्रों का अर्थ नहीं पता चलेगा लाभ नहीं है। ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तो, हे प्रभु मेरे जंघाओं में चलने की शक्ति हो, और वो ही चलने की शक्ति क्या है ओज है। हमारे कई बार ऐसा मंत्री जी जो होते हैं आर्य समाज के उनको पता तो होता नहीं, वो बेचारे बोल जाते हैं आदरणीय आचार्य जी ने बड़ा ही ओजस्वी व्याख्यान दिया, मुंह में ओज कहाँ से आ गया जी, ओज कहाँ था, ओज तो पैरों में था। उर्वोर्मा ओजो अस्तो, हे प्रभु मेरी जंघाओं में चलने की शक्ति हो, इसलिए व्याख्यान हमेशा कैसा होता है मनस्वी होता है, व्याख्यान कैसा होता है मनस्वी होता है, क्योंकि मन से सोचे हुए भाव आपके सामने होते हैं, इसीलिए जो व्याख्यान दिया जाता है उसको जब ध्यान पूर्वक सुना जाता है तो मनस्वी की बातें कौन सुन रहा है, सामने बैठा हुआ मनस्वी सुन रहा है, मन के साथ मन जुड़ा, और मन के भावों को जब सामने वाला व्यक्ति सुनता है तो कहते हैं ओजो असी ओजो मई दे। और मेरे ऋषि के लिए कहा मन्यु रसी, क्यों जी मन्यु का क्या संबंध, वीरता के साथ मन्यु का कोई संबंध है, अच्छा आप बोल दो आप मेरे साथ हाँ मिला लो अच्छा रहेगा, मैं संबंध सिद्ध करके दिखाऊंगा। ओ मन्यु रसी मन्यु मई देही, हे प्रभो तू क्रोध स्वरूप है मुझे भी मांगा क्रोध मैंने, तो आपने कहा जी क्रोध तो बेकार की चीज है, मेरे ऋषियों ने कहा क्रोध और मन्यु में अंतर है, क्रोध और मन्यु में जब आप क्रोध करते हैं तो अपना भी नुकसान और सामने वाले की भी हानि, परंतु जब आप मन्यु करते हैं अपना भी लाभ और सामने वाले का भी लाभ। जब समाज के सुधार के लिए व्यक्ति के सुधार के लिए मन क्रोध किया जाता है वो क्रोध मन्यु है, और उस मन्यु की घर में भी आवश्यकता है, समाज में भी आवश्यकता है और राष्ट्र में भी आवश्यकता है। इसलिए जीवन में मन्यु रसी मन्यु मई देही, ईश्वर से क्या मांगो मन्यु मांगो। एक बात और देख लेना ध्यान करना, जब आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो राणा हो चाहे वो शिवा हो या वो लक्ष्मीबाई हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, और चाहे मेरे दयानंद हो, जब वो आक्रमण करते हैं किसी पर मानसिक या आत्मिक या वैचारिक, तो आपके अंदर क्रोध के भाव होने आवश्यक हैं, अन्यथा सामने वाला व्यक्ति आपसे डरेगा नहीं। इसलिए सामने वाले व्यक्ति को डराने के लिए अपने अंदर के मन्यु को जगाना होगा, और तब ईश्वर से बस ये प्रार्थना जरूर कर लेना प्रभु तू मन्यु स्वरूप है मुझे भी मन्यु प्रदान कर। तो ओम तेजोवसी तेजोमयी देही, ये जो छह मंत्र हैं ये मेरे जीवन में उतर जाए तो मेरे जीवन का वीर पर्व सार्थक है। आप लोग हर साल मनाते हैं, शायद 3-4 बार तो मैं ही आ चुका हूँ वीर पर्व पर, चौथी बार आया हूँ आज, और चौथी बार में भी आकर आपके सामने वही जोश दिखाई देता है, वही वीरता दिखाई देती है आप लोगों के अंदर। सबसे बड़ा भाई करनाल आर्य वीर दल,
अब तो पानीपत में भी जीवित है, लेकिन बीच में पानीपत में लगभग कम हुआ था। करनाल आर्य वीरदल आज तक कमजोर नहीं हुआ, वो चल रहा है, और ये बहुत बधाई की बात है आपके लिए। हमारे यहाँ भी अब मंडलपति बदला है, हमारा ही सिखाया हुआ लड़का है दीपक गुप्ता, उसको जब मैं आर्य वीरदल का शिक्षक था तो मैंने उनको सिखाया, अब वो आर्य वीरदल के शिक्षक बने हैं। मैंने उसको बधाई दी, मैंने उसको एक बात की, भाई आर्य वीरदल का मंडलपति तो बना दिया है, जिम्मेदारी है, बैठने का काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है, समय देना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, साथियों को जोड़ना पड़ेगा और शाखाएं भी लगानी पड़ेंगी, और जब तक शाखाएं नहीं लगेंगी आपके साथ बच्चे जुड़ने वाले नहीं है। अगर नौजवान बच्चों को जोड़ना है तो अपने जीवन में इन शाखाओं को लगाना आरंभ, आपके पास तो बहुत अच्छी जगह है, शाखा लगाई जा सकती है, इस तरह की शाखा लगाओ जिसमें सर्वांग सुंदर व्यायाम हो जाए, जिसमें सूर्य नमस्कार हो जाए, भूमि नमस्कार हो जाए, चंद्र नमस्कार हो जाए, और जो न्यूनतम है ये हो जाए कुछ इस तरह, और आपके पास तो ये और भी बहुत अच्छा है, कुछ आसन कराए जा सकते हैं। मंडलपति की तो जिम्मेदारी बढ़ गई मंत्री जी, अब मंत्री पद तो था ही था, थोड़ा सा और बाहर निकलना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, टीम बनाओ, और टीम बना करके हर घर से एक बच्चे को मांग लाओ, कह जी हमें इस बच्चे को एक घंटे के लिए दे दो, अगर बच्चा गलत सीख जाए तो आप हमें पकड़ लेना, और अच्छा लगे तो हमारा धन्यवाद कर देना। आज से 3 साल पहले बुलंदशहर में आर्य वीरदल का शिविर लगा, ये पहले भी घटना सुना, ये फिर सुना देता हूँ, और वहाँ पर आपको पता विरोध हो गया, विरोध तो सामान्य है वहाँ पर, कह जी ये जो है आर्य वीरदल का शिविर लगा रहे हैं और वहाँ पर बच्चों को भड़काते हैं, तो वहाँ पर DC आया, कह लगा जी आप लोग शिविर लगा रहे हैं, तो वो जो वहाँ अध्यक्ष था शिविर का उसको पकड़ा गया, उसने कहा जी शिविर तो लग रहा है, कह जी इसमें आप सुना भड़काते हैं बच्चों को, कह जी आप सुबह से हमारी 4 बजे की दिनचर्या से लेकर और रात के 10 बजे तक हम जो कुछ भी सिखाते हैं अपना नुमाइंदा यहाँ बैठा दीजिए और वो दिखा दीजिए। उन्होंने भेज दिया जी, एक व्यक्ति भेजा, उन्होंने कहा अपनी दिनचर्या दो, उन्होंने दिनचर्या लिख करके दे दी, सच्ची घटना है ये, अखबार में भी आया, TV के चैनल पर भी आया और WhatsApp ग्रुप में भी आया, ये घटना आ गई, उन्होंने दिनचर्या दे दी, एक व्यक्ति बैठ गया, उसने देखा सारे दिन में कोई भड़काऊ काम ही नहीं था, ये तो संस्कार दे रहे, उस व्यक्ति ने उसी समय रिपोर्ट करी फोन करके, कह जी आर्य वीरदल के शिविर में कोई भी भड़काऊ काम नहीं है, यहाँ तो अपनी सुरक्षा के लिए केवल लाठियाँ सिखाई जाती हैं, तलवारें सिखाई जाती हैं, PT सिखाई जाती हैं, आसन सिखाए जाते हैं, लेकिन साथ के साथ वैचारिक क्रांति के लिए सभ्यता और संस्कृति के विचार सिखाए जाते हैं, कोई गलत काम यहाँ नहीं हो रहा। तब अनुमति दी गई कि आप लोग शिविर लगाएं, पवित्र मातृशक्ति भद्र पुरुषों मेरे दयानंद के लिए जोरदार ताली बजाओ, उस दिन आर्य समाज की विजय हुई। ये था आर्य वीरदल, आर्य वीरदल ने कार्य किया है, ये 6 मंत्र जिसके अंदर होंगे वो व्यक्ति वीर पुरुष बनता है, वो ही व्यक्ति शूरवीर बनता है। 9:50 तक का समय आपका था, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीर पर्व आप लोगों को वीरता के भाव देता रहे, और ऋषि दयानंद और आर्य समाज को सदा आप लोग अपने जीवन में बसाते हुए उनके अनुयायी बने। ओम शांति।